सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेमंत फॉर यू चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत राजपूत और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने यहां पर मेक माई ट्रिप या MMT मोबाइल एप्लीकेशन से यहाँ पर ट्रेन टिकट को बुक किया हुआ है, उसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको फुल रिफंड मिल जाएगा। तो फुल रिफंड के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको फ्री कैंसिलेशन सेलेक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ बुकिंग। जब आप ट्रेन टिकट को बुक करते हैं तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि फ्री कैंसिलेशन, तो वहाँ पर आपको 27 रुपीज़ या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा उतना रुपए देना होता है और आपका जो फ्री कैंसिलेशन हो जाता है, जितने का टिकट है उतना सारा अमाउंट आपका रिफंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कैसे करना है, सबसे पहले जो आपने बुक किया होगा तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा माई ट्रिप का, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन में, ये मैंने मेक माई ट्रिप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है माई ट्रिप्स का। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ अपकमिंग, यहाँ पर जो कैंसिल ये सारा दिखता है, तो यहाँ पर अपकमिंग में ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा बुकिंग है झांसी से ग्वालियर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिकट हमारा ओपन हो चुका है। जैसे ही ओपन होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा कैंसिलेशन पॉलिसी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 40 आवर्स बिफोर ट्रेवल, ट्रेवल के पहले 40 आवर्स के पहले अगर आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 120 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था फ्री कैंसिलेशन, उसमें मैंने केवल 27 रुपीज़ दिया हुआ था और यहाँ पर मेरा फ्री में कैंसिल हो जाएगा अगर मैं कैंसिल करूँगा तो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बुकिंग सेलेक्ट कर लिया था, अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता तो मुझे यहाँ पर कैंसिलेशन का 120 रुपीज़ देना होता। तो यहाँ पर आप नीचे आइएगा और यहाँ पर दिया हुआ है कैंसिल बुकिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। मैंने क्लिक कर दिया है और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लिख के आ रहा है कि यू बुकिंग इज कवर अंडर फ्री कैंसिलेशन, यू हैव पेड रुपए 27 फॉर दिस बुकिंग। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बुकिंग करते समय यहाँ पर 27 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर दिया था, जिससे कि अगर मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ पर जो कैंसिलेशन चार्ज है वो 120 रुपये ना लगे, केवल 27 रुपीज़ लगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि मुझे केवल 27 रुपीज़ ही लगेगा और मुझे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और मुझे यहाँ पर जो फुल रिफंड है 175 रुपीज़ वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंसिलेशन चार्ज है वो यहाँ पर वैसे नॉर्मली कितना लगता है 120 रुपीज़, लेकिन मेरे केस में कितना लग रहा है 0 रुपीज़, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्री कैंसिलेशन सेलेक्ट किया हुआ था। और यहाँ पर आप रीजन कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने एक क्लिक कर लिया है, ठीक है, ये वाला, और नीचे इनिशिएट कैंसिलेशन पर मैं क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको जो पेमेंट है वो कैसे लेना है, माई वॉलेट पे चाहिए या फिर आप ओरिजिनल पेमेंट मोड में भी ले सकते हैं। जो ओरिजिनल पेमेंट मोड में लेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपका 3 से 12 वर्किंग डेज लग सकता है, और यहाँ पर जो अगर आप वॉलेट में लेंगे MMT के तो वहाँ पर आपको 175 रुपीज़ आपका विद इन 60 सेकेंड्स, मतलब एक मिनट के अंदर ही वो आ जाएगा, ठीक है। और उसको आप यूज कर सकते हैं जैसे होटल, फ्लाइट, बस बुकिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर अपने ओरिजिनल पेमेंट मोड में ले लेता हूँ और नीचे कन्फर्म एंड इनिशिएट रिफंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू विश टू कैंसिल, तो यस कैंसिल पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि लिख क्या रहा है, सक्सेसफुली कैंसल्ड ऑल ट्रेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो टिकट है वो कैंसिल हो चुका है, मुझे यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है और मेल भी आ चुका है, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो बुकिंग है वो कैंसिल्ड हो चुका है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा अमाउंट था 175 रुपीज़, ये तुरंत ही मेरे बैंक अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पर मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि आपका जो 175 रुपीज़ है वो एक क्रेडिट हो चुका है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा तुरंत ही रिफंड आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। तो यही वो वीडियो पसंद है, अगर आपकी वीडियो पसंद लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।